सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे, मैं हूं आपका दोस्त शिवान भसी। तो गाइस आज हम बात करेंगे एफआई सेलिंग के ऊपर। तो गाइस आप देखते होंगे, जब भी आप कोई न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे, एनएससी के डाटा में जाके एफआई का डाटा देखते होंगे, तो वहां पर आपको ज्यादातर यही दिखता होगा कि एफआई मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट से अपनी पोजिशन को काट के लेकर जा रहे हैं। तो गाइस एक्चुअली हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, मैं आपको आज पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो एफआई के बीच में हो क्या रहा है, क्यों एफ आईज बार बार सेलिंग ही सेलिंग कर रहे हैं, और वहां से जो हमारे डी आईज हैं उस सेलिंग को कम करने के लिए वहां पर अपने क्यों बाइंग प्रेशर बना रहे हैं। तो गाइज मैं अब आपको इसके बारे में समझाता हूं, आप ये समझ जाएंगे तो आप अस्सी इजिली इसे मार्केट के बारे में समझ जाएंगे। और एक खास बात इस वीडियो में आपको मैं और बताने वाला हूं एफ आई के डाटा के बारे में, वो डाटा अगर आप पहचान लेते, अगर आप कल उस डाटा को देखते तो गाइज आज आप मार्केट में अपनी बाइंग पोजिशन बना के रखते और जो प्रीमियम में आपको जो पुट्स जो कॉल जो आपको 10 20 30 रुपए में मिल रही थी वो आपको तुरंत वहां पर आज तीन गुना चार गुना का प्रॉफिट कमा के दे दी थी। तो गाइज यहां पर मैं आपको पूरी डिटेल में समझाता हूं, तो बढ़ते हैं। तो गाइज जैसा कि हमने देखा था कि 2008 में रिसेशन आया था और रिसेशन के टाइम में मार्केट जो थी एक क्रैश कर गई थी, मार्केट क्रैश कर गई थी, वहां पर कोई भी बायर नहीं था, कोई भी मार्केट में एक खरीदार नहीं था जो मार्केट में खरीदारी करे। तो गाइज वहां पर हुआ ये कि एफआईज आई, एफआईज जब 2008 में आई तो वहां पर एफआईज ने जब पूरे डाटा को देखा तो वहां पर उन्होंने देखा कि यहां से अगर हम बाय करेंगे तो आने वाले 10 साल के अंदर हम बहुत ज्यादा फायदा कमा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो चीजें मिल रही हैं वो इतनी सस्ती मिल रही है कि आने वाले 10 साल के अंदर वो दुगनी तिगनी पांच गुनी हो जाएंगी। तो गाइज ज्यादातर अगर हम बात करते हैं एफआईज जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो वो टाइम होराइजन 10 ईयर्स का लेकर चलते हैं, 10 साल तक का वो अपना टाइम होराइजन लेकर चलते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। तो गाइज हमने देखा था कि 2008 में एफआईज आई थी, वहां से वो मार्केट को ऊपर लेकर गई और मार्केट स्टेबल होना शुरू हो गई। जब एफआईज 2014 आ गया तो 2014 में डीआईज एंटर हुए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंटर हुए, वहां पर एफआईज को देख देख के डीआईज ने भी खरीदारी शुरू करी और 2014 से लेकर 2016 तक उन्होंने खरीदारी करी तो हमारे देखा कि हमारी मार्केट और ऊपर जाती रही। तो गाइस 2016 से हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर घुसना शुरू हुए और जो म्यूचुअल फंड्स जो डीआईज बाय कर रहे थे वही हम बाय कर रहे थे। तो गाइस जो भी डीआईज बाय करते हैं हमें उसका तीन महीने बाद एक साल बाद हमें पता चलता है उन्होंने क्या बाय कर रखा है, तो हम अपनी पोजीशंस बनाते थे। तो गाइज हुआ ये कि 2008 से लेकर 2018 आ गई और 2018 में आप ये देख रहे हैं कि एफआई सिर्फ सेलिंग ही सेलिंग कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था गाइज कि वो लोग 10 साल तक का अपने इन्वेस्टमेंट लेकर चलते हैं, उसके बाद वहां से वो लोग लेकर निकल जाते हैं। तो गाइज हुआ यही कि उन्होंने 10 साल तक खरीदारी करी, मार्केट को ऊपर लेकर गए, डीआईज भी आए, डीआईज मार्केट को ऊपर लेकर गए और अब हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं। तो गाइज अब हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं और अब हम खरीदारी कर रहे हैं, पर एफआई जो है वो वहां से सेलिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें 2008 में बाइंग कर ली थी और 10,000 साल बाद जब 2018 आ गई तो वहां से वो पोजीशंस अपनी काट के घर जा रहे हैं प्रॉफिट लेके, और हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो उनकी पोजीशंस को खरीद रहे हैं। तो गाइज हो यही रहा है कि हमारी जो मार्केट है वो तुरंत नीचे गिरेगी नहीं, पर आने वाले 5 या 6 साल के अंदर इतनी तेजी से हमारी मार्केट गिरेगी, जो 2008 में रिसेशन आया वो हमारी मार्केट में भी रिसेशन आएगा। तो गाइज वो निफ्टी में कैसा आ सकता है, निफ्टी में वो पैटर्न ऐसा बना है कि नहीं बना है, तो गाइज वो आपको वीडियो देखनी चाहिए जो मैंने अपलोड करी है, तो उसका जो वीडियो लिखकर लिंक है यहाँ पर आपको आई के ऊपर शो कर जाएगा, और जब ये वीडियो खत्म होगी तो वहां पर भी आपको वीडियो शो कर जाएगी, तो उस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा, आप एक अर्नेबल प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो गाइज हुआ ये कि अब हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं, अब होगा ये आने वाले सालों में कि जब एफआईज का जो पूरी उन्होंने पोजीशंस बनाई थी जब वो सेल कर देंगे आने वाले 4 या 5 साल के अंदर, उसके बाद होगा ये कि म्यूचुअल फंड्स भी साथ साथ में उसको सेल करते रहेंगे, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स है जो डीआईआईज है वो एफआईज को देखकर ही काम कर रहे हैं ज्यादातर। तो गाइस जब एफआईज अपनी पोजीशन को काट के घर चले जाएंगे, जब डीआईज अपनी पोजीशन को काट के घर चले जाएंगे,
तो मार्केट में कोई बायर नहीं रह जाएगा। जब मार्केट में कोई बायर ही नहीं रह जाएगा आने वाले 10 सालों के अंदर, तो मार्केट एक करेक्शन ले लेगी, मार्केट एक रिसेशन में चली जाएगी। गाइज हमारी इकोनॉमी तो ग्रोथ कर रही है, पर इकोनॉमी ग्रोथ करने से ये कुछ नहीं है। जब हमारी इकोनॉमी से पैसा ही जाने वाला है, और 10 साल के अंदर हमारी इकोनॉमी में जिन FIIs लोगों ने इतना पैसा डाला है, DIIs ने इतना पैसा डाला है, वो आने वाले 10 साल के अंदर वो निकाल रहे हैं। तो गाइज 2018 से वो लोग पैसा निकालना शुरू कर रहे हैं, और इस आने वाले 5 साल के अंदर वो सारा पैसा निकाल के ले जाएगी, और वहां से हमारी मार्केट एक रिसेशन में चली जाएगी। तो गाइज ये FIIs का सच है। अगर ये FIIs का सच आपने जान लिया है, तो आप अच्छे तरीके से प्रॉफिट कर सकते हैं, मार्केट को सावधान से ट्रेड कर सकते हैं। गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ कोई डाटा, उस डाटा के बेसिस में आप पता लगा पाएंगे कि कल मार्केट में मार्केट या निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ज्यादातर हम बात कर रहे हैं इंडेक्स के बारे में, तो इंडेक्स या ऊपर जाएगा या निफ्टी नीचे जाएगा। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक फोटो शो कर रही होगी, वो फोटो जो आपको शो कर रही है वो फोटो एक डाटा है FIIs का, जिसमें उन्होंने स्टॉक्स ऑप्शन, उन्होंने जो फ्यूचर्स के बाय कर रखे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स बाय कर रखे हैं, इंडेक्स ऑप्शंस बाय कर रखे हैं। तो गाइज वो आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा, आपको ऊपर डेट दिख रही होगी, आपको ऊपर जो डेट दिख रही है वो 28th of June है, उसके नीचे आपको दिख रही होगी डेट जो 27th of June है। तो गाइज मैं अब आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। आप सबसे पहले ऑब्जर्व करिए 27th के डाटा को। 27th के जब आप डाटा को ऑब्जर्व करेंगे, तब आप देखेंगे कि FIIs इंडेक्स ऑप्शन जो है उसमें सबसे ज्यादा हमें सेलिंग देखने को मिली है, अराउंड 1300 करोड़ की हमें सेलिंग देखने को मिली है। उसकी वजह से हुआ ये, अगर आप DIIs का भी डाटा देखेंगे तो वहां पर भी उन्होंने जो इंडेक्स ऑप्शन है और इंडेक्स फ्यूचर्स है उन्हें सेल करा था। हमने देखा था कि DIIs ने बाइंग तो करी है, पर इन्होंने सबसे ज्यादा बाइंग जो करी है वो स्टॉक ऑप्शंस में करी है और स्टॉक फ्यूचर्स में करी है, इंडेक्स में नहीं करी थी ज्यादा, उन्होंने इंडेक्स को शॉर्ट करा था। उसकी वजह से हुआ ये कि 28th of June को जो हमारी मार्केट ने कल एक्सपायरी में करेक्शन लिया था, वो हमने देखा कि एक करेक्शन आ गया। तो गाइस इतना ज्यादा करेक्शन नहीं आ सकता था जो इन लोगों ने 27th को अपने जो इंडेक्स ऑप्शंस है उन्हें सेल करा था और फ्यूचर्स को सेल करा था DIIs ने। तो गाइस हुआ ये, जब मार्केट ओपन हुई तो फ्यूचर जो DIIs है उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर को बहुत तेजी से शॉर्ट कर दिया, यानी कि 2700 करोड़ के जो इंडेक्स फ्यूचर्स उनके पास थे उन्होंने वहां से उन्हें बेच दिया। जैसे उन्होंने बेचा, और पिछले दिन भी उन्होंने बेचा था मार्केट बंद होने से पहले, मार्केट ने एक करेक्शन ले लिया और मार्केट 10,550 के पास चली गई। गाइज मार्केट 10,550 के पास चली गई, वहां पर एक पैटर्न बना था, जो पैटर्न का पहला टारगेट था वो कंप्लीट हो गया था। अगर आपको पता लगाना है कौन सा पैटर्न बना था, कैसे हमें पता चला कि वो टारगेट था जो कंप्लीट हो गया था 10,550 का, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। दोनों वीडियोस आपको आई में और इस वीडियो के आखिरी में आपको शो कर जाएंगी। तो गाइज हुआ ये कि मार्केट ने करेक्शन ले लिया, मार्केट आ गई 10,550 की तरफ। जब 10,550 की तरफ आ गई, तो जो आज इस जुलाई एक्सपायरी के जो कॉल्स के प्रीमियम थे, जो कॉल्स के इंडेक्स के प्रीमियम थे, अगर हम एज्यूम करते हैं निफ्टी के बारे में आज हम बात करते हैं, तो अगर निफ्टी के जो प्रीमियम थे कॉल के, वो तेजी से डिक्रीज होना शुरू हो गए। जिस तरीके से हमने देखा था कि मार्केट में एक तेजी से करेक्शन आई थी, हैवी वॉल्यूम्स के साथ एक करेक्शन आई थी, जो प्रीमियम थे कॉल्स के वो बहुत तेजी से डिक्रीज हो गए और 20-30-40 रुपए में आ गए। और हुआ ये, तो आप फोटो में देख सकते हैं 28th of June के में आपको दिख रहा होगा एक बड़ी सी ग्रीन लाइन बनी है, उसके आगे 6,627 करोड़ लिखे हैं। तो जब मार्केट 10,550 के टारगेट को छू गई, उसी टाइम इंडेक्स ऑप्शन में FIIs ने तीन गुना बाइंग कर ली। तीन गुना बाइंग किसकी कर ली? जो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट करा था जिस प्राइस में आप देख सकते हैं 2700 के प्राइस में, उसके तीन गुना प्राइस को उन्होंने ऑप्शन में बाइंग कर ली। कॉल ऑप्शन उन्होंने 30-20-40 के प्रीमियम पे जैसी बाय करा, मार्केट हो गई बंद। गाइज मार्केट हो गई बंद, तो हमें पता था कि उन्होंने इतनी पोजीशन बनाई हुई ऑप्शन स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन के अंदर कि जब कल मार्केट खुलेगी तो वो तेजी से ऊपर जाएगी। तो गाइस हमने देखा था कि आज मार्केट ने एक तेजी से ऊपर मूव दी। अगर आप लोग कल के मार्केट के चार्ट्स को रीड करते तो चार्ट्स आपको बहुत बियरिश दिखा रहे होते, आप पता लगा लेते कि मार्केट जो है 10,400 के लेवल में आएगी। पर गाइस हुआ ये, अगर आप लोगों ने FIIs डाटा को भी साथ में देखा होता तो आप पता लगा लेते कि आज मार्केट ऊपर जाने वाली है, और अगर आप वो 30-40 रुपए के जो कॉल थे वो अगर आप उठा लेते आज मार्केट में सुबह ही उठा लेते, तो गाइज वो आपको तीन गुना पैसा देकर आज मार्केट में चली जाती। हुआ यही कि FIIs करी यही है
कि हमें एनएससी के डाटा में तो शो करता है कि एफआईज ने इतने करोड़ की सेलिंग करी है, न्यूज चैनल्स वाले में बताते हैं कि एफआईज ने इतनी करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं, वो हमें ऊपर का डाटा दिखाते हैं गाइज, हमें ऊपर का डाटा दिखाते हैं, नीचे का जो अंदर का डाटा है वो गाइज आपको ये दिखा रहा है जो मैं आपको इस फोटो में दिखा रहा हूँ। इस फोटो में हुआ यही है, आपको मैं शॉर्ट में एक बार और बता देता हूँ कि उन्होंने फ्यूचर्स को शॉर्ट करा, उसके साथ देखकर डीआईज ने भी फ्यूचर को शॉर्ट करा। फ्यूचर को शॉर्ट करने से हुआ यह कि मार्केट नीचे गिर गई, मार्केट नीचे गिरी तो जब उसके जो कॉल्स के प्रीमियम थे वो बहुत तेजी से डिक्रीज हुए, डिक्रीज होने में हुआ ये जब वो 40-50 रुपए में आ गए तो वहां पर उन लोगों ने इंडेक्स ऑप्शंस को बहुत तेजी से बाय करा, 3 गुना पैसे लगा दिए उसमें और से बाय कर लिया, उसी टाइम मार्केट बंद हो गई और वहां से हमने देखा कि बहुत तेजी से उछाल आई गई आज मार्केट में और 10,700 का जो एक रेजिस्टेंस को उसने तोड़ के नीचे क्लोज हुआ था, आज उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो गाइस ऐसा ही हमेशा डाटा आते रहता है, मैं आपको ऐप का नाम बता देता हूँ, ये स्टॉक एज का ऐप है, इसमें अगर आप जाएंगे आप अपने गूगल प्ले स्टोर में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब इसमें आप जाएंगे तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपको साइड में एफआईएस का डाटा शो कर रहा होगा, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा बना हुआ दिख जाएगा। तो गाइज ये आपको डाटा कल के मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो ये आपको आसानी से बता देगा। गाइज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि फ्यूचर में अच्छी खासी सेलिंग हुई है आज 28 जून में और अच्छी खासी बाइंग हुई है इंडेक्स ऑप्शन में, तो ये हमारे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि हमें कंफर्म कर जाता है कि कल मार्केट ऊपर जाने वाली होती है। कभी कभार ऐसा नहीं भी आता कि हमें दिख रहा होता है कि उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन में बहुत 100 करोड़ की बाइंग कर रखी है, इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने 100 करोड़ की बाइंग कर रखी है, तो हम मोमेंटम नहीं पता लगा पाते कि कल मार्केट कैसा जाएगा, तो उसके लिए हम चार्ट्स को देखते हैं। तो गाइस ज्यादातर लोगों को अगर चार्ट्स देखना नहीं आता तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं, 10 दिन में से 5 दिन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो सिर्फ इंडेक्स को बाय या शॉर्ट करके। तो गाइस ये कुछ खास चीजें मैंने आपको बता दी है, अगर वो 2 वीडियो आपको देखनी है जिससे आप पूरा मार्केट का ट्रेंड पता लगा पाएंगे तो गाइस वो आप वीडियो देख सकते हैं। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप पूरे YouTube में कहीं भी सर्च कर लीजिए, जो मैं ये वीडियोस अपलोड करता हूँ ये वीडियोस आपको कोई भी अपलोड करके नहीं देता होगा, ये सच ऐसी चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताता होगा, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता होगा, वरना ज्यादातर लोगों को पता होगा, न्यूज चैनल वालों को पता होता है पर वो उनसे पैसा लेते हैं तो हमें नहीं बता पाते गाइस। तो ये कुछ खास चीजें जो मैं आपके साथ अपने YouTube चैनल के अंदर शेयर कर रहा हूँ, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा कोर्स कल से शुरू होने वाला स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का, तो उसमें मैं आपको पूरी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, न्यूज के बारे में, US मार्केट के बारे में A to Z नॉलेज दूंगा कि जब आप मार्केट में ट्रेड करने बैठे तो आप लॉस नहीं सिर्फ प्रॉफिट में रहेंगे, वरना आप मार्केट को समझ पाएंगे कि मार्केट क्या रिएक्शन दे रही है, मार्केट चल कैसी रही है। तो गाइस वो ट्रेनिंग में लेकर आने वाला हूँ कल से, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दीजिएगा, बेल आइकन को दबाने से होगा ये कि आपके फोन में आपके ऐप में वो नोटिफिकेशन आ जाएगी कि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आप उसे ध्यान से देख पाएंगे, आपको बार बार YouTube के अंदर सर्च करके मेरे YouTube चैनल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। और इस वीडियो को लाइक करेगा, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप पूरे YouTube में सर्च कर सकते हैं, अगर आपको कोई ये बता रहा होगा तो मैं अपना YouTube चैनल बंद कर दूंगा गाइस। तो मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये जो मैंने आपके साथ ऐसा खतरनाक डाटा शेयर करा FIs के बारे में कि 10 साल का उनका टाइम होरिजन था और उन्होंने ऐसे करा, तो गाइज अगर आपको ये थोड़ी सी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मुझे समझ आई है तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई इससे रिलेटेड डाउट आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करूंगा गाइज। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।